क्षेत्र पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रवि मर्डर केस की सुलझी गुत्थी। गांव सावला के रवि नाम के युवक का शव सरस्वती नहर के किनारे से 9 अगस्त को बरामद हुआ था। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आया था कि रवि की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने स्पेशल जांच टीम बनाकर जांच की तो रवि के रिश्तेदार ही उसके कातिल निकले। तथ्य सामने आए कि संजू व पिंकी, जो रवि के ही परिवार से हैं, दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। रवि को दोनों के बारे में पता चल चुका था और दोनों ने रवि को मारने का षड्यंत्र रचा था। रवि को सरस्वती नहर पर ले जाकर पहले बियर पिलाई गई, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों को सख्ती से पूछा तब दोनों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए। नहर के किनारे रवि नाम का शव मिला था, तो हमने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लिया और शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी हत्या की गई है, और हमने तेजी से इस मामले की तफ्तीश शुरू की। तो तफ्तीश के दौरान हमने तथ्य इकट्ठा किए। तथ्य के आधार पर संजू व पिंकी पर शक हुआ, तो जब हमने इनसे गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने बतलाया कि प्रसंग हम दोनों का प्रेम प्रसंग है, इसको हमारे बारे में मालूम हो गया था। तो हमने षड्यंत्र के आधार पर सरस्वती नदी के किनारे ले जाकर पीयर पिलाकर जब ये नशे में हो गया तो इसकी लोर निकालकर छोटा गला घोट कर हत्या कर दी और मैं वापिस घर आ गया। इससे पहले सास व पति को मारने का षड्यंत्र ये लोग रच चुके थे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। रवि के मारने में कामयाब हो गए। इनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।